हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो गाइस, आप लोगों के बीच हम लेकर आए हैं आज सब्जेक्ट का। अगर हम बात करें तो ये सब्जेक्ट आपका CHE मतलब होता है केमिस्ट्री। जैसे कि आप लोग पहले जानते होंगे कि क्लास 10 का कार्बन तथा इसकी यौगिक में एक टॉपिक मिलता है, जिस टॉपिक का नाम है हाइड्रोकार्बन। तो आज हम आप लोगों के बीच हाइड्रोकार्बन टॉपिक लेकर आए हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। तो आइए, चैनल का नाम आप लोगों को हम बता देते हैं, कुछ इंट्रोडक्शन करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है कि जो हमारा ये चैनल का नाम है SV, यानी SV कोचिंग सेंटर संझौली। यूट्यूब पर आप जाकर सर्च कीजिएगा SV कोचिंग सेंटर संझौली, तो आप लोगों के जो यूट्यूब का होम पेज होता है तो होम पेज पे आपको देखने को मिल जाएगा। और विशेष जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं, जो कि हम लोगों का पहला ब्रांच संझौली में चलता है, स्वामी परमहंस कोचिंग सेंटर। इसका स्थान है पुराना थाना के सामने संझौली। और दूसरा स्थान भी इसका चलता है, दूसरा जो ब्रांच हम लोग का चलता है नोखा में, जिसका स्थान है महावीर मंदिर के सामने। विशेष जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं, जिसका ऑफिस का नंबर है 6207932118। देखिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक बार कॉन्टेक्ट नंबर को फिर से हम आप लोगों के बीच दोहरा देते हैं, ताकि आप लोग बहुत बढ़िया से कान लगाकर सुनिएगा, कान लगाकर सुनने को बोले हैं, ठीक है, सुन लीजिए 6207932118। तो चलिए, अब इतना हम आप लोगों के बीच बातचीत किए, आइए अब हम अपना मेन मुद्दा है टॉपिक, उस पर हम बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम बात करें हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोकार्बन जो आपका कार्बन तथा इसके यौगिक का जो एक टॉपिक होता है, उसमें का एक आपका ये पार्ट है, यानी हाइड्रोकार्बन। जब आप 12th क्लास में जाइएगा, 11th क्लास में जाइएगा, तो आपको हाइड्रोकार्बन एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा। तो हाइड्रोकार्बन कैसे हम आप लोग को बता रहे हैं, ये आप लोग सोचिएगा नहीं बल्कि समझिएगा। ये आपका हाइड्रोकार्बन चुटकियों में बना लीजिएगा, जैसे मीथेन क्या होता है, प्रोपेन क्या होता है, ब्यूटेन क्या होता है, ऑक्टेन क्या होता है, नोनेन क्या होता है एंड डेकेन क्या होता है। तो थोड़ा हम इंग्लिश में इसलिए बोल दे रहे हैं ताकि जो हम लोग पढ़े हैं थोड़ा इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं, तो हम हिंदी में कन्वर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हम जो भी बताएंगे आप लोगों को हिंदी मीडियम ही बताएंगे। ओके, देखिए तो हाइड्रोकार्बन का पहला हम बात करेंगे, हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोकार्बन कौन कौन सा वर्ड से मिलकर बना है। तो यहाँ पे हम रफ कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे रफ किए हैं, ऊपर में हम आपको डिफिनेशन बता चुके हैं हाइड्रोकार्बन में। देखिए H&C, अभी आप लोगों को हम बताएं H&C, यानी H क्या है, ये आपका हाइड्रोजन है, और C क्या है, ये आपका कार्बन है। क्या बोले, हाइड्रोजन एंड कार्बन, यानी हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से बने नए कंपाउंड, कंपाउंड को हम लोग हिंदी में यौगिक के नाम से जानते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से बने नए यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एक बार फिर से हम हाइड्रोकार्बन का डिफिनेशन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जैसे कि आप हमारे व्हाइट बोर्ड पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखे H और C, बबुआ बचिया ध्यान से समझना, और यहाँ पे H और C आप लोगों को क्लियर था, हाइड्रोकार्बन हुआ क्लियर, ठीक है। देखिए हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से H क्या है, अगर आप लोगों से कोई पूछे H क्या है तो आप लोग बताइएगा हाइड्रोजन, और C क्या है, कार्बन। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या आपका एक होता है, कितना होता है, एक, और कार्बन की परमाणु संख्या क्या होता है, ये आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, ठीक है। हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से बने नए कंपाउंड, देखिए कंपाउंड को हम लोग हिंदी में यौगिक के नाम से जानते हैं, यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। सब लोग समझ गए होंगे कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, यानी हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से जो नया यौगिक बनता है, जो नया यौगिक का निर्माण होता है, उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं एग्जांपल का। देखिए हाइड्रोकार्बन एग्जांपल हम यहाँ पे दिए हैं CH4, C2H6 और ATC। तो EX का मतलब होता है एग्जांपल, ठीक है। CH4 क्या है, तो CH4 का अगर हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पे CH4 जो होता है ये आपका मीथेन होता है, क्या होता है, मीथेन होता है। और हम C2H6 का बात करेंगे, C2H6 तो ये आपका बन जाएगा एथेन, क्या बनेगा, एथेन। अब देखिए मीथेन कैसे बना और एथेन कैसे बना, आप लोगों के समक्ष हम इसको प्रस्तुत करेंगे, और एक ट्रिक होता है, क्या बताएं, ट्रिक अभी आप लोगों को नहीं बताएंगे, क्योंकि ट्रिक हम अगले टॉपिक में बताएंगे। अभी आप लोगों को हम बस इतना ही बताएंगे कि हाइड्रोकार्बन कहते किसे हैं, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, और हाइड्रोकार्बन कौन कौन होते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे, देखिए हाइड्रोकार्बन
यानी अगर आप लोगों से कोई पूछे कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो टाइप्स का मतलब होता है प्रकार, ऑफ का मतलब होता है का, और हाइड्रोकार्बन का हिंदी हाइड्रोकार्बन होता है। तो अगर हम सीधा तौर पर बात करेंगे तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोकार्बन का प्रकार। तो हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों हम आपको बता दें 3 टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। जो हमारा हाइड्रोकार्बन होता है ये आपका 4 प्रकार का हाइड्रोकार्बन होता है। पहला हाइड्रोकार्बन क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और तीसरा आपका हाइड्रोकार्बन होता है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, और चौथा आपका हाइड्रोकार्बन होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ से आप लोग जान चुके कि जो हाइड्रोकार्बन होता है 4 प्रकार का होता है। पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और तीसरा एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, और चौथा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब हम आप लोगों से उम्मीद करते होंगे कि आप लोगों का हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं और हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन होते हैं, आपको हम अभी 3 बिंदुओं पर अभी चर्चा किए हैं, तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और यह वीडियो आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।